हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा डाटा बार बनाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए यहां पर मैंने नेम दिया और यहां पर तीन सब्जेक्ट के मार्क्स दिए और फिर यहां टोटल किया है। टोटल का फॉर्मूला आपको F2 प्रेस करता हूं आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैं F2 प्रेस करके आपको फॉर्मूला दिखाता हूं, ये देख सकते हैं आप। ये जो फॉर्मूला ये मैंने लगाया, उसके बाद आंसर के अकॉर्डिंग ये बार्स बन के आ रहे हैं। जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनके बड़े बार्स बने हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखा मैंने AB ERAGE, एवरेज लिख लिया हमने और यहाँ पर अब हम एवरेज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इज इक्वल टू एवरेज कैलकुलेट करता हूं, तो ये लिखा एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एवरेज आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे इन सब का आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे डेटा बार्स बनाने हैं, तो इन सबको सेलेक्ट रखिए जो एवरेज आपका आया हुआ है। उसके बाद से चलना है कहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर आना है डाटा बार्स में। यहाँ पे डाटा बार्स दिखाई पड़ेगा आपको, मोर रूल्स पे चले जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा डाटा बार। तो यहाँ पर शो बार्स, अगर आप केवल बार देखना चाहते हैं तो यहाँ पे शो बार्स ओनली पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो जो भी कलर आपको चाहिए, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर ले लीजिए और यहाँ से प्रेस कर दीजिए ओके। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर केवल डेटा बार ही दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डेटा बार के अलावा मार्क्स भी दिखाई पड़े तो यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे डेटा बार्स के अलावा मार्क्स भी आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।